गाइज ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात क्लैरिफाई करना चाहूंगा कि ये वीडियो दैट इज फार्मा फ्रेशर्स एंड चैलेंजेस इज एक्सक्लूसिवली रिलेटेड टू प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन दैट इज फार्मास्यूटिकल कंपनीज इट विल कवर एनी इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एंड अदर्स ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला है इसलिए आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज वॉच टिल द एंड सो फार्मेसी फ्रेशर मीनस परस्यूडी और मास्टर इन फार्मेसी को जॉब एक्वायर करने के लिए फार्मास्यूटिकल कंपनीज में जो चैलेंजेस आते हैं उसके पीछे के रीजन दैट इज रैशनल बिहाइंड को हम पहले समझ लेते हैं फर्स्ट रीजन इज कैंपस ड्राइव कैंपस प्लेसमेंट हर एक स्टूडेंट अपने इंस्टीट्यूट से ये एक्सपेक्टेशन करता है कि उसका कैंपस प्लेसमेंट जो कि एक विदाउट हैसलिंग जरिया है जॉब पाने का के थ्रू उसका प्लेसमेंट उसे मिल जाए और उसे जॉब मिल जाए पर रियलिटी ये नहीं है वाई बिकॉज ऑफ टू थिंग्स यहां पर फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनाइजेशन प्राइवेट कंपनी मतलब जो कंपनीज हैं उनके दो चेहरे हैं उसको मैं नाम दे देता हूँ एक है कोर डिपार्टमेंट और दूसरा है नॉन कोर डिपार्टमेंट कोर डिपार्टमेंट का मतलब ये होता है वो वो सारे डिपार्टमेंट जिनको आम पब्लिक या इन दी फॉर्म ऑफ इवन परसुंग स्टूडेंट वो भी नहीं देख सकते लाइक फार्मास्यूटिकल प्रोडक्शन क्वालिटी एश्योरेंस क्वालिटी कंट्रोल रेगुलेटरी अफेयर्स फार्मा विजिलेंस क्लिनिकल ट्रायल्स बायो एनालिटिकल्स एक्सेट्रा यू योर सेल्फ इमेजिन कभी रेगुलेटरी अफेयर्स के अंदर का ऑफिस देखा है नहीं दिखाओ और दूसरे होते हैं नॉन कोर डिपार्टमेंट मतलब जिनको आम जनता और इवन जो पब्लिक है वो देख सकती है लाइक like फार्मासिस्ट इन मेडिकल शॉप गवर्नमेंट फार्मासिस्ट हालांकि वहां पे मैं गवर्नमेंट फार्मासिस्ट से रिलेटेड इसमें बात नहीं करूंगा लेकिन बता रहा हूँ हॉस्पिटल्स में फार्मासिस्ट और या फिर मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव एम जिसको बोलते हैं मतलब इवन आप जब कभी भी डॉक्टर के क्लीनिक गए होंगे तो एक ना एक बार आपने किसी मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव को तो देखा ही होगा तो कैंपस ड्राइव जो है जो कैंपस प्लेसमेंट होते हैं वो कंपनीज बल्क वैकेंसीज के लिए ही करती है बल्क वैकेंसीज इन द सेंस की जब 10 से 50 कैंडिडेट्स को स्क्रीन करके रिक्रूट करना हो और जिसमें मोर देन 100-200 पार्टिसिपेंट्स आए तो जितने भी कोर डिपार्टमेंट्स हैं कोर डिपार्टमेंट जिनके नाम मैंने अभी वीडियो, वीडियो के स्टार्टिंग में लिए है उनमें बल्क वैकेंसीज़ रहती नहीं है और जो भी क्योंकि जितनी भी पोजीशंस हैं जो भी पोस्ट हैं वो ऑलरेडी फुलफिल्ड रहती है अब यहां पर मैं रुक करके आपको एक बात बताना चाहूंगा कि मैं कोई आपको डरा नहीं रहा हूं जस्ट टेलिंग यू द फैक्ट बट डोंट वरी इसके सारे सोल्यूशन वीडियो के एंड में है सो कोर डिपार्टमेंट में बल्क में वैकेंसीज एक ही सिचुएशन में हो सकती है जब कोई फार्मास्यूटिकल कंपनी अपना कोई प्लांट या फिर कोई ऑफिस किसी दूसरे शहर में नया सेटअप कर रहा हो एक एग्जांपल से बताता हूँ कि सिप्ला फार्मास्यूटिकल्स आप सभी ने सुना होगा इट्स वन ऑफ द जायंट इन दी फार्मास्यूटिकल्स इन इंडिया तो सिप्ला के इंदौर uh, मध्य प्रदेश दैट इज और उसके बाद भोपाल और नासिक सिक्किम और ऐसी जगहों पे बद्दी इस पे बहुत सारे इनके प्रोडक्शन प्लांट्स हैं तो हाल ही में सिप्ला ने अपनी सीरीज में जो लेटेस्ट लास्ट रिसेंट जो प्लांट सेटअप किया वो विरगोनगर बेंगलोर के में किया तो विगलो, तो सिप्ला फार्मास्यूटिकल्स के विरगो प्लांट में बल्क वेकेंसीज बिल्कुल आएंगी और उसके लिए कैंपस ड्राइव तो बिल्कुल बनता है दैट इज अंडरस्टैंडेबल तो ऐसे में फिर जो सिप्ला फार्मास्यूटिकल्स है वो बेंगलोर के या फिर इंडिया के किसी पोटेंशियल इंस्टीट्यूट के साथ अगर उसका एमओयू टाइप है तो फिर कैंपस ड्राइव करने जाएगी और बल्क वैकेंसीज में रिक्रूटमेंट करेगी क्योंकि नया सेटअप है अब प्रोडक्शन प्लांट में मान लीजिए उनको 50, 100, 200 सौ एम्प्लॉज चाहिए तो बल्क वैकेंसीज करेंगी तो ऐसे में होता है बाकी ऐसे में फिर जो रूटीन सेगमेंट है वो तो फिर उनके नंबर ऑफ वैकेंसीज पर ही आता है और ऐसे में भी एमओयू अगर किसी फार्मास्यूटिकल इंस्टीट्यूट के साथ नहीं है तो भी वो इतना बड़ा ब्रांड है की सिंपल एडवर्टाइजमेंट करेंगी तो भर भर के एप्लीकेशन आएंगे सो सेटिंग अपन न्यू प्लांट में कैंपस ट्राइव ठीक है इट्स अ वैलिड रैशनल अब दूसरा फैक्टर होता है सिटी शहर भारत में एक्चुअली जो सिटीज है वो टायर वन से लेकर के टायर फोर तक के कैटेगरी में डिवाइडेड है अब टायर टायर और वो वो सिटीज हैं, टायर, sorry, टायर वो सिटीज हैं हैं आई एम सॉरी से लेकर के भी अपन उसको काउंट कर सकते कि जहां पर अपनी फैमिली के साथ लॉन्ग टर्म प्लानिंग करके सेटल हो सकते हैं और उनका सबका एम ही होता है ऐसी टायर की सिटीज में आती है इंदौर भोपाल नासिक अहमदाबाद औरंगाबाद मुंबई दिल्ली एक्सेट्रा जहां पर बच्चों की स्कूलिंग उसके बाद ग्रोथ ये सारी चीजें एक सेटिसफेक्ट्री मोड पर मिलती है और इसीलिए इन सिटीज़ में जितनी भी फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनाइजेशन और कंपनीज हैं उनके एम्प्लॉई वेल सेटल होकर के रहते हैं वेल well सेटल्ड हो जाते हैं मतलब दे हैव एनी मच मोर डिज़ायर और नीड टू स्विच टू अनदर सिटी क्योंकि फैमिली उस तरीके से वेल एस्टेब्लिश और सेटल मोड पर चली जाती है और इसी रीजन की वजह से इस टायर की सिटीज़ में बाहर के जितने भी आउटसाइडर्स हैं वो मैसिव क्वांटिटी में इसी प्रोजेक्शन के साथ आते हैं इसी एक्सपेक्टेशन के साथ आते हैं और अप्लाई करते रहते हैं तो ऐसे में क्या होता है कि टायर टायर वन टार टू सिटीज में जब कोई भी कंपनीज के अंदर कोई एक दो वैकेंसी आती हैं तो भर भर के रिज्यूम्स ऑलरेडी रिज्यूम बैंक में होते हैं जो एस डिपार्टमेंट है जब भी एक दो वैकेंसी आती हैं बैंक में से निकालता है कॉल करते हैं इंटरव्यू से स्क्रीन करके शॉर्ट कर, शॉर्टलिस्ट करके और वैकेंसी को फुलफिल कर लेते हैं एंड अकॉर्डिंगली इवेंचुअली देर इज नो सच नीड ऑफ कैंपस ड्राइव इसी तर, इसी रीजन से कैंपस ड्राइव होते नहीं अनदर रीजन इज मल्टी डिसिप्लिनरी बिजनेस परस्पेक्टिव इसका मतलब होता है कि हर कंपनी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो उसका इवेंचुअल अल्टीमेट गोल प्रॉफिट ही होता है मतलब लेस एक्सपेंडिचर मोर इनकम और इसमें से सैलरी ऑफ द द्लॉज एक बहुत क्रुशल पैरामीटर है तो जितने भी कोर डिपार्टमेंट लाइक प्रोडक्शन क्यूए क्यूसी में देखेंगे तो आप पाएंगे कि अदर परस्यूड कोर्स के इम्प्लॉइज भी काम करते हैं लाइक like आप क्यूसी में देखेंगे तो बीएससी एमएससी भी मिलेंगे प्रोडक्शन में भी बीएससी वाले मिलेंगे क्यूए में भी बीएससी वाले मिलेंगे और भी अदर कोर्सेज के कैंडिडेट मिल जाएंगे और ये इस तरह के रिज्यूम और मतलब जो सिचुएशन दिसलेंज इज दट कीपिंग इन व्यू द प्रोफिट कंपनी ऑलवेज ट्राई टू प्रीफर दोज रिज्यूम विच कैन वर्क एट वेरी लो कॉस्ट और वो इनके रूप में उन्हें मिल जाता है अब सपोज एग्जाम्पल है क्वालिटी कंट्रोल है जहां पर सोफेस्टिकेटेड एनालिटिकल इंस्ट्रूमेंट्स को हैंडल करना है तो वहां पर अगर कोई एक दो वैकेंसी निकलती है तो बहुत सारे एप्लीकेशन आते हैं जिसमें बी फार्मेसी भी रहेंगे एम फॉर्म भी रहेंगे साथ में फिर अगर एमएससी केमिस्ट्री है एनालिटिकल केमिस्ट्री है वो भी रहेंगे बी एस सी के रिज्यूम्स भी आएंगे जो कि बहुत कम सैलरी पर काम करने को रेडी हो जाते हैं जिसकी वजह से कंपनियों ने प्रीफर कर लेती है और ये सिचुएशन भी एक चैलेंज बन जाती है खैर अब आते हैं सोल्यूशन के ऊपर इसको सॉल्यूशन पर आने के पहले मैं एक बात क्लियर कर दूं कि आप टायर वन और टायर टू सिटी में भी जॉब कर सकते हैं इफ यू हैव अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग रेफरेंस ऑफ अ एम्प्लॉय वर्किंग इन दैट पर्टिकुलर कंपनी तो ये सॉल्यूशंस उनके लिए है जिनके पास कोई रेफरेंस नहीं है कुछ नहीं तो सबसे पहला रेफरेंस एक्चुअल में एक ही है सिंपल दैट इज सेक्रीफाइस ऑफ टू थिंग्स द फर्स्ट सेक्रीफाइस इज द लोकेशन टायर फोर सिटी या फिर मैक्स टू मैक्स टायर थ्री सिटी को टारगेट करते हुए आप कंपनी में अप्लाई करिए एग्जाम्पल गैंगटो सिटी ऑफ सिक्किम बद्दी ऑफ हिमाचल प्रदेश इसके बाद वर्ना जो कि एक विलेज है गोवा का यहाँ पर मैसिव नंबर ऑफ फार्मास्यूटिकल कंपनीज है और यहां पर अगर आप अप्लाई करेंगे तो आपको बड़ी ही आसानी से और बहुत ही अच्छे पैकेज पर जॉब मिलने के पूरे आसार हैं क्योंकि यहां पर वैकेंसीज बनी रहती हैं और वैकेंसीज इसलिए बनी रहती हैं क्योंकि यहां पर इन टायर फोर सिटीज में रहना ऐसे रिमोट लोकेशंस पर रहना फैमिली को सेटल करना बहुत मुश्किल होता है इस, इसलिए वैकेंसीज कंसिस्टेंटली बनी रहती है तो इन लोकेशंस को टारगेट करते हुए आप कंपनी में अप्लाई करिए कंपनी में अप्लाई करना कैसे करना इट्स अ वेरी सिंपल इंटरनेट से इन लोकेशन पर सिचुएटेड फार्मास्यूटिकल कंपनी के एच डिपार्टमेंट की कॉन्टैक्ट डिटेल्स को इंटरनेट से निकालिए अपना रिज्यूम सेंड करिए एंड दे विल डेफिनेटली ऑटोमेटिकली कॉन्टेक्ट यू इसके बाद वहाँ पे रहिए हार्डली छह महीना छह महीना तो बहुत कम है एक या दो साल वहां स्ट्रगल रही है थोड़ा, लेकिन आपके ऊपर से फ्रेशर का लेवल हट जाएगा वहां पे एक साल दो साल आप काम करिए और उसके बाद फिर टायर वन और टू की सिटीज में जो अच्छी वेल सेटलिंग के लिए जो सिटीज है वहां पर आप आ, अप्लाई करिए और स्विच करिए सेकेंड सेक्रीफाइस इज ऑब्वियसली सैलरी डोंट स्टार्टिंग आप एक फ्रेशर हैं अभी आपके पास कोई लाइबिलिटीज नहीं है रिस्पॉसिबिलिटीज नहीं है स्टार्टिंग के छह महीने या साल भर बस रहने खाने का आपको मिल जाए दैट इज मोर दैट मस्ट बी मोर देन सफिशियंट टू यू फॉर यू क्योंकि अभी आपको सीखना है आपको एंट्री करना है उसके बाद आपको इस काबिल बनाना है कि आप अपनी मन पैकेज एक्सपेक्ट कर सके बात है कि इस... डे वन फर्स्ट डे से ही आप लाख छ लाख आठ लाख रुपए का पैकेज एक्सपेक्ट करेंगे तो फार्मास्यूटिकल कंपनी आपसे पूछेंगे कि इतना हम क्यों दें? यू कॉन्ट भी एबल टू आंसर क्योंकि अभी आपको अंदर एंट्री करने के बाद बहुत कुछ सीखना है समझना है और उसके बाद फिर करना है तो डोंट हैव टू मच एक्सपेक्टेशन इन दॉर्म ऑफ सैलरी ऑफ दट मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि लोकेशन और सैलरी और चीज की वजह से बहुत सारे कैंडिडेट वो गोल्डन अपॉर्चुनिटीज छोड़ देते हैं जो उनके सामने रहती है इन दी फॉर्म ऑफ द लोकेशन ऑफ द टायर सिटीज मेंशन तो बस स्टार्टिंग का हार्डली वन ईयर टू ईयर आपको मेहनत करनी है उसके बाद एक मोमेंटम फ्लो आपको मिल जाएगा एंड यू विल ग्रो लाइक एनी नो डाउट फार्मेसी एक बहुत अच्छा पोटेंशियल और ग्रोइंग एक कोर्स है आपने किया बहुत अच्छा है बस थोड़ा सा स्टार्टिंग में आप एक पेशेंस रखना पड़ेगा तो ये था एक ब्रीफ वीडियो ऑन चैलेंजेस फेस्ड बाय फार्मा फ्रेशर्स एंड व्हाट आर सम ऑफ प्रोबेबल सॉल्यूशंस। आई नो दैट आप में से बहुत सारे दैलेंजेस को लगेगा कि इसमें कोई नई बात थी नहीं थी पर ठीक है इस वीडियो के माध्यम से आपको एक पुशअप जरूर मिलेगा कि क्या जो मैंने बोला वो आपने अमल किया कि नहीं किया सो जितने भी फ्रेशर्स हैं जो पास आउट हुए हैं उन सभी को वेरी गुड लक और जो मैंने चीजें बताई अगर आप फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनाइजेशन प्राइवेट कंपनीज में एक्सेल करने के लिए अपने करियर को एक्सप्लोर करने के लिए चाहते हैं तो इन स्टेप्स को आपको फॉलो करना चाहिए सो so, ये फ्रूटफुल लगाओ तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा और एंड कोई भी क्वेरी क्वेश्चन हो आपके कुछ सुझाव हो, समथिंग लाइक दैट एक्सपीरियंसेस हो तो जरूर कॉमेंट में शेयर कीजिएगा सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो टिल देन स्टे मोटिवेटेड वर्क मार्टर गुड लक